कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। चुनाव सुर्खी, विधानसभा के उपचुनाव में अब सिर्फ दो रातें बाकी हैं, जब तीसरा दिन जब शुरू होगा तो सुर्खी विधानसभा का चुनाव होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर जिले के कलेक्टर दीपक सिंह साहब। मैं बात करता हूं सर, निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है सर? बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है। मतदान दलों का गठन और प्रशिक्षण हो चुका है, पर्याप्त मात्रा में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस मजिस्ट्रेट, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर, CCTV, वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सारे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं, और जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने थे वो भी हमने कर लिए हैं, और हम सुनिश्चित कराएंगे कि सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहे, निष्पक्ष रहे और पारदर्शी रहे। क्या खास बात रहेगी इस बार के सर विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है तो कुछ नयापन, क्योंकि जिस तरीके से COVID-19 है तो उसको लेकर भी कुछ तैयारियां पोलिंग बूथ पर की गई हैं? निश्चित रूप से ये जो चुनाव हो रहा है ये COVID-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए हो रहा है। हमने सारे मतदान केंद्रों का सैनिटाइजेशन इंश्योर कराया है, सारे मतदान दलों को इस बात के लिए प्रशिक्षण दिया गया है कि वो COVID-19 की गाइडलाइंस का पालन करें। जो भी मतदाता मतदान केंद्र में आएंगे उनको सैनिटाइजर या साबुन से उनके हाथ धुलाए जाएंगे, उनको मास्क और ग्लव्स भी दिए जाएंगे, सबके टेम्परेचर लिए जाएंगे, और अगर कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका तापमान ज़्यादा है या जो COVID-19 सस्पेक्ट हैं या COVID-19 से पीड़ित हैं, उनको मतदान का जो अंतिम घंटा रहेगा उसमें मतदान कराया जाएगा, और उस दौरान हमारा जो मतदान दल है वो पूरा PPE किट पहन के मतदान कराएगा, तो COVID-19 के सारे गाइडलाइंस हम पालन सुनिश्चित करेंगे। सर, जिस तरीके से आप बार बार आह्वान कर रहे हैं कि बाहर के लोग जो आए हैं वो वहाँ से निकल जाएं, तो क्या सब लोगों को खाली करा लिया गया है सुर्खी विधानसभा? इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार मतदान खत्म होने का जो समय है उसके 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों को वो क्षेत्र छोड़ के चले जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि कई राजनीतिक दल, कई अभ्यर्थी बाहर से चुनाव प्रचार के लिए लोगों को बुलाते हैं। 1 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो जाएगा, तो जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं वो यही किए गए हैं कि 1 तारीख शाम 6 बजे के बाद सुर्खी विधानसभा में कोई भी ऐसे व्यक्ति जो वहाँ के निवासी नहीं हैं वो क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे। इसके साथ ही एहतियातन हमने यह भी आदेश किया है कि सागर जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं रहेंगे आज शाम को 6 बजे के बाद। उद्देश्य ये है कि सुर्खी विधानसभा से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, विशेष रूप से सागर जिला मुख्यालय जो है, यहाँ पर बहुत सारे होटल, मैरिज गार्डन, लॉज, धर्मशाला, फार्म हाउस इत्यादि हैं, जिसमें हमें इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि बाहर से आके रुके हुए हैं। तो जिले में शांति कानून व्यवस्था बनी रहे, चुनाव निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण हों, इस उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश किया गया है। आज शाम 6 बजे के बाद सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, पुलिस अधिकारी इन स्थानों की तलाशी लेंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं तो वो विधानसभा क्षेत्र के बाहर चले जाएं, जिले के बाहर चले जाएं। सर, 2 रातें और तीसरा दिन जो होगा वो चुनाव का होगा, तो अमूमन देखा जाता है, वो बातें भी होती हैं कि रात में जो है वो चुनाव प्रचार बहुत चरम पे पहुंच जाता है, वो लोग प्रलोभन दिए जाते हैं, तो ऐसे हालात में रात में क्या तैयारियाँ हैं सर प्रशासन की? रात में सभी जगह हमारे जो पुलिस मोबाइल पार्टीज़ हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, वीडियो सर्विलेंस टीम है, ये सभी एक्टिव रहेंगी। और आपको पता होगा कल रात में ही हमने एक 36 लाख रुपए नगद पकड़ने की कार्रवाई की है, जो प्रकरण इनकम टैक्स को कार्रवाई के लिए सौंपा गया है। तो आज रात और कल रात भी हमारी सारी टीमें सजग रहेंगी, और हम सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम उनको पकड़ पाएँ और उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर पाएँ। सुर्खी विधानसभा की जनता से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं? सुर्खी विधानसभा के सभी मतदाताओं से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें, वो निष्पक्ष होकर करें, बिना किसी प्रभाव, बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव में आके करें। मतदान उनका अधिकार है, उन्हें अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। हमने सभी मतदान केंद्रों में COVID-19 की गाइडलाइन अनुसार उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए हैं, और पूरा मतदान शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, इसके लिए भी हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। मेरा सुर्खी विधानसभा के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। सर, बात करने के लिए शुक्रिया।
थैंक यू, नमस्कार। सागर के कलेक्टर दीपक सिंह जी हमसे बात कर रहे थे और उनका कहना यह है कि लोग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और जाकर मतदान करें। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक। 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।